गण गणपतये नमो नमः। नमस्ते, आज के वीडियो में मैं एक इको फ्रेंडली गणपति बप्पा की मूर्ति बनाने जा रही हूँ, जिसे मैंने घर पर इजीली अवेलेबल चीजों से बनाया है। आप एक बार मेरी इस मेथड से जरूर ट्राई करें, आपके बच्चे इसे बनाना जरूर पसंद करेंगे, ये मेरी गारंटी है। चलिए शुरू करते हैं आज की इको फ्रेंडली गणपति बप्पा की मूर्ति। एक प्लेट ले लेंगे, उसमें एक कप मैदा और हल्दी को मिला देंगे अच्छे से। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक स्मूथ डो बना लेंगे, कर रख देंगे 10 मिनट के लिए। हाफ कप मैदा लेंगे, एक टीस्पून ग्रीन फूड कलर डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाएंगे। सेम प्रोसेस हम रिपीट करेंगे ब्राउन डो बनाने के लिए। बाद ये देखिए, मेरे सारे डो बनकर तैयार हैं। मैंने ग्रीन डो को प्लेट में निकाल दिया है और इस तरह से फ्लैट कर लिया है। फिर टूथ पिक के हेल्प से मैंने इसको पत्ता से इस तरह से बना लेंगे। ये देखिए, ये काफ़ी अच्छा लगता है। फिर येलो डो थोड़ा सा पेड़े शेप का बना लेंगे और बेस बना लेंगे। उस पर इस तरह से रोल करके दोनों साइड बप्पा का पैर बना लेंगे, ये देखिए इस तरह से। फिर हम थोड़ा सा और डो लेंगे और इसको रोल करके लड्डू शेप का बना के बप्पा का बॉडी का स्ट्रक्चर दे देंगे। ये हाथ लगा देंगे, ये आशीर्वाद टाइप इस तरह से बना लेंगे। दूसरे साइड भी लगा देंगे जिसमें बप्पा लड्डू पकड़ेंगे। फिर हम सर बना लेंगे बप्पा का, दोनों साइड कान लगा देंगे। इस तरह से प्रेस करके अच्छे से लगाइएगा, वरना ये सूख जाएगा तो गिर जाएगा। फिर हम सूंड बना देंगे, ये देखिए थोड़ा सा बेंड किया है मैंने, और इस तरह से फिंगर्स से इसको थोड़ा स्मूदन कर दीजिएगा तो दिखने में थोड़ा अच्छा लगता है और ये फिक्स भी हो जाता है। और फिर काली मिर्च इस तरह से लेके मैंने दोनों साइड लगा दिया है। बप्पा की आंखें बना दी है। फिर ये धागा लिया है, इसको लगा देंगे। अब मुकुट बनाएंगे, जो ब्राउन कलर का डो मैंने बनाया था उससे मुकुट बना रही हूँ। थोड़ा सा ग्रीन डो भी ले रही हूँ डेकोरेशन के लिए, काफ़ी अच्छा लगता है। ये देखिए बप्पा का मुकुट बनकर तैयार है। फिर मूषक जी बनाएंगे। मूषक जी बनाने के लिए मैंने येलो डो का ही यूज़ किया है। इस तरह से उसमें भी काली मिर्च लगा लिया है, आंखें बना दी है मूषक जी के। फिर हम थोड़ा सा पतला सा डो लेके उनके पूंछ भी बना लेंगे। देखिए बनकर तैयार है। फिर टूथपिक से इस तरह से बप्पा के फिंगर्स बना लेंगे और एक लड्डू रख दिया है। टूथपिक को तोड़ के बप्पा का इस तरह से दांत बना दिया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये इको फ्रेंडली गणेश जी की मूर्ति अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।